अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इकबाल्स मैसेज. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. बट द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट कंटेंटेड विद व्हाट ही हैज़ क्रिएटेड और इन्वेंटेड. कंटेंटेड का मतलब मुतमईन. लेकिन इकबाल का नौजवान इससे मुतमईन नहीं होता जो वो तख्लीक या इजाद कर चुका होता है. द स्पिरिट ऑफ इश्क अनदर नेम ऑफ फॉर Perpetual struggle spurs him to go beyond the stars that he has discovered with his foresight. Perpetual means never ending, non-stop. अगर किसी चीज़ को पाने का इश्क है हमारे अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई चीज़ चाहिए, तो हम उस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे. तो इकबाल भी यही चाहता है कि उसका नौजवान ऐसा हो कि वो कोई भी चीज़ पाने के लिए हमेशा स्ट्रगल करता रहे, कभी भी वो रुके नहीं. द मोटिव ऑफ इकबाल्स यूथ इज़ टू परस्यू हिज इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल गोल्स एंड देन कंटिन्यू हिज जर्नी बियॉन्ड दीज गोल्स. इकबाल के नौजवान का नज़्बुलैन अपने इल्मी और रूहानी मकासद की जस्तुजू करना है और फिर इन मकासद से आगे अपनी मंजिल को जारी रखना है. द लाइफ ऑफ इकबाल्स यूथ इज़ डायनामिक एंड नॉट कन्फाइंड टू लिमिटेड मटीरियल्स अचीवमेंट एंड इन्जॉयमेंट ऑफ इट. डायनामिक मीन्स चेंजिंग, मतलब वो चेंज होती रहती है लाइफ किसी भी इंसान की. तो इसका मतलब है इकबाल के नौजवान की ज़िंदगी मुतहरिक है और महदूद मादी कामयाबी और उसकी तफरी तक पाबंद नहीं है. मतलब इंसान की ज़िंदगी बार बार चेंज होती रहती है, एक चीज़ पर, एक पॉइंट पर स्टॉप नहीं होती. तो अगर आपकी ज़िंदगी, अगर किसी की ज़िंदगी बार बार चेंज हो रही है, तो उसमें मुख्तलिफ उसमें फिर स्ट्रगल्स भी हम दूसरी दूसरी तरह से करते हैं. हमें रुकना नहीं होता अपनी लाइफ में, बल्कि अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को हमने अचीव करना होता है. अगर हमने पोजीशन लेनी है तो हमने उसके लिए मेहनत करनी है तो हम पोजीशन ले सकते हैं. हमें कोई अच्छी जॉब चाहिए तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तभी हमें मिलेगी. तो लाइफ हमारी चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से हमने अपनी चीज़ों को चेंज करना होता है और स्ट्रगल करनी होती है. ही इन्जॉयज़ द क्रिएटिव जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशंस. इकबाल का जो नौजवान है वो तहकीकी, दरियाफ्त, इजादात और इखराआत के सफ़र में महफूज होता है. मतलब अगर इकबाल का नौजवान है, अगर उसमें कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, तो वो नई नई चीज़ों को इजाद करेगा, वो नई नई चीज़ों को डिस्कवर करेगा, देखेगा कि वो क्या कर सकता है. और द यूथ ऑफ इकबाल इज़ अ सीयर एंड हिज सोर्स फ्रॉम हिज डिस्कवर्ड स्टार टू न्यू नोवा ऑफ ब्रिलियंस एंड इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशंस का मतलब है मुतासिर. सोर्स का मतलब है राइज, मतलब ऊपर जाना. दीज आर द व्यूज़ ऑफ इकबाल अबाउट द यूथ ऑफ नेशन. ये इकबाल की कौम के नौजवानों के मुतल्लिक नज़रियात है. इकबाल वांट्स टू सेट हायर बेंचमार्क फॉर द न्यू जनरेशन. इकबाल नई नस्ल के लिए ज़्यादा ऊंचा मयार कायम करना चाहता है. ही वांट्स टू इनकलकेट इन देम द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड डिस्कवरी. Because youth are to lead and take the nation to the height of self-sufficiency and independence. अलामा इकबाल चाहते हैं कि उनकी नौजवान नस्ल में ऐसा जज्बा और ऐसा जुनून पैदा हो कि वो अपने मुल्क को आगे लेकर चलें, वो नई नई इजादात करें, नई नई चीज़ों को वो डिस्कवर करें, और उसके बेस पर वो अपने नेशन को, अपने मुल्क को आगे लेकर जा सकें. क्योंकि किसी भी नेशन को कोई नौजवान नस्ल ही उरूज पर पहुंचा सकता है. द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट अ थिंकिंग हैमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन, माइल्ड इन स्पीच बट इंथुजियास्टिक इन एक्शन. वेदर ही इज़ इन द बैटल फील्ड और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड, ही इज़ प्योर इन हेड एंड हार्ट. हैमलेट हमारे पास एक कैरेक्टर का नाम है. वो ऐसा कैरेक्टर था जो कि सिर्फ सोचता था और वो करता कुछ भी नहीं था. इकबाल चाहता है कि उसकी जो नौजवान नस्ल है तो वो हैमलेट ना बने, वो सिर्फ किसी काम के बारे में सोचे नहीं,
उस तो क्या करे, वो सोचे नहीं बल्कि डायरेक्ट वो जो सोच रहे हैं तो उस पर अमल करे, एक्शन करे। इकबाल का नौजवान ख्याली गांव नहीं बल्कि इल्मी इंसान है, गुफ्तगू में नरम लेकिन अमल में पुरजोश, चाहे वो मैदान जंग में हो या दोस्तों की संगत में हो, वो दिल और दिमाग से पाकीज़ा होता है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट यूथ वॉज द मेन फोकस ऑफ इकबाल। ये नतीजा अखज़ किया जाता है कि नौजवान नस्ल इकबाल का ख़ास मरकज़ निगाह था। ही डिक्लेयर्स यूथ अ सिंबल ऑफ होप एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन। उन्होंने नौजवान को मुल्क की उम्मीद और मुस्तकबिल का निशान बयान किया। इफ़ यंग जनरेशन इज़ रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द उम्मा, द डे इज़ नॉट फार ऑफ व्हेन द होल मुस्लिम कम्युनिटी विल राइज एज माइटी पावर विच नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड विल बी एबल टू सबड्यू। अगर नौजवान नस्ल उम्मत की तरक्की और खुशहाली में हिस्सा डालने के लिए आमादा है, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब तमाम मुसलमान बरादरी एक अजीम ताकत के तौर पर उभरेगी, जिसे दुनिया की कोई ताकत जेर करने के काबिल नहीं होगी।